हेलो एवरीवन, आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे और इस बीकर में जो है पानी भर देंगे। हमने इस बीकर में जो है वो वाटर को फिलअप कर दिया। अब इस वाटर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा तो हमारा ये वाटर जो है वो बॉइल होने लगेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता क्या है कि ये जो हमारा वाटर है, ये जो हमारा लिक्विड है, वो क्या होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगी। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ, मतलब जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतनी ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगी और यहाँ पे इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। अगर हम वाटर के टेम्परेचर को कम कर दें और जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिक्विड एंड सॉलिड के बीच इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड एंड लिक्विड जो है वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। तो ये हमारा फ्रीजिंग कहलाता है और ये दोनों ही रिएक्शन जो है, ये दोनों ही फिनोमेनन जो है वो 1 atm प्रेशर पे हो रहे होते हैं। अब देखो जरा, यहां पे हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर जो है क्या होता है, फ्रीज होता है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और ये वेपर प्रेशर है, तो वाटर जो है वो हमारा क्या हो गया, वो फ्रीज हो गया। ठीक, तो वाटर फ्रीज हो गया मतलब इस पॉइंट पे हमारा सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। तो ये हमारा वाटर हो गया मतलब सॉल्वेंट हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इस वाटर में हमने ग्लूकोज मिला दिया, हमने NaCl मिला दिया, या ग्लूकोज मिला दो या NaCl मिला दो या MgCl2 मिला दो या शुगर मिला दो, तो हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व कराने हैं। तो जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कराया तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर हो जाएगा कम, और वेपर प्रेशर हो जाएगा कम तो क्या होगा, ये हमारा जो इक्विलिब्रियम बना हुआ था 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे ही डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, ये प्रेशर के इफेक्ट को क्या करेगा, नलीफाई करेगा। तो प्रेशर के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए सॉलिड जो है, ये जो हमारी आइस है, वो क्या हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अगर आपने इनमें से कोई एक सॉल्यूट इसमें मिला दिया तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है इसको हम फ्रीज करा, तो हमें टेम्परेचर को कम करना होगा। तो टेम्परेचर मान लीजिए हमने यहाँ पे कम कर दिया, सॉल्यूट मिलाने पे प्रेशर ये इतना कम हो गया, तो क्या होगा, अब ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे फिर से इक्विलिब्रियम जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और ये -1 डिग्री सेल्सियस मान लो कितना हो गया, तो यहाँ पे ये हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जिसको कि हम डेल टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल टी एफ जो है वो हमारा क्या होता है, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है मतलब ये किसका है, सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, तो इसको आप टी नॉट एफ से रिप्रेजेंट कर लो, और ये सोल्यूशन का है तो इसको टी एफ से रिप्रेजेंट कर लो। तो ये होगा हमारा टी नॉट एफ माइनस टी एफ, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया। तो ये हमारा चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है डेल टी एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ पे मोलैरिटी से आपको बताना है। तो डेल टी एफ ये प्रोपोर्शनल सेंटर ऑफ तो इक्वल आएगा, तो एक कांस्टेंट लिखा जाएगा के एफ इंटू मोलैरिटी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो जरा,
डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमारा डेल टी एफ हो गया। अब हमें के एफ की यूनिट बताना है क्या होगी, तो देखो जरा के एफ इक्वल टू क्या होगा, डेल टी एफ अपॉन मोलैरिटी। तो अब यहाँ पे ये चेंज इन टेम्परेचर, डेल टी एफ की जगह आप क्या लिख सकते हो, टी नॉट एफ माइनस टी एफ अपॉन मोलैरिटी। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो चेंज इन टेम्परेचर है, देखो जरा अगर हमने कहा कि ये डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसको केल्विन में करें तो ये 373 केल्विन होगा और ये 273 केल्विन होगा, समझ रहे हो। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इतना केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब इतना केल्विन, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 100 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 100 का। तो मतलब अगर टेम्परेचर में डिफरेंस हो तो फिर यूनिट डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिफरेंस हमेशा इक्वल ही आता है। तो यहाँ पे हम इसको डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं और ये मोलैरिटी, या फिर डिग्री सेल्सियस मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर किलोग्राम। तो मोलैरिटी जो होता है मोल पर केजी यूनिट होती है, तो मोल पर केजी यूनिट हो सकती है। तो इसको आप लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये हमारी के एफ की यूनिट हो गई। जैसे हमने लिखा कि डेल टी एफ के एफ इंटू डब्ल्यू वन एम थाउजेंड डब्ल्यू टू, हमें इस मोलर वेट की यूनिट बतानी है। तो देखो मोलर वेट इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू वन अपॉन डेल टी एफ इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू टू। तो इसकी यूनिट बतानी है, तो के एफ की यूनिट है डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, है ना, इनमें से कोई एक यूनिट होगी, इंटू डब्ल्यू वन की ग्राम, जो थाउजेंड है इसकी होती है ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है। क्यों होती है, उसका रीजन है कि हम वेट को क्या करते हैं किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें थाउजेंड से डिवाइड करना होता है, तो ये ग्राम और किलोग्राम से डिवाइड करोगे तो ये ग्राम पर केजी हो जाएगा, तो ग्राम से ग्राम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी यूनिट जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। इसलिए 1000 ग्राम पर केजी होगा। और ये डेल टी एफ डिग्री सेल्सियस इंटू डब्ल्यू टू क्या होगा, ये ग्राम होगा। तो देखो डिग्री सेल्सियस कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है, और आपका किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो आपका कैपिटल एम जो मोलर वेट है क्या हो जाएगा, ग्राम मोल इनवर्स, तो ग्राम मोल इनवर्स उसकी यूनिट हो जाएगी, या इसको हम लिख सकते हैं ग्राम पर, ठीक है ना। तो बस इन फॉर्मूले के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 ये फॉर्मूला है इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट। पहला है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, सेकंड है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। Kf जो है दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो देखो जरा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है डेल टी एफ ये इक्वल होता है के एफ इंटू मोलैलिटी। तो डेल टी एफ हमें डिटरमाइन करनी है, के एफ मोलैलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू थाउजेंड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो डेल टी एफ हमें निकालना है, के एफ जो है वो कितना है 1.86, ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इनटू डब्ल्यू वन कितना है, इथिलीन ग्लाइकोल 45 ग्राम जो है वो मिक्स किया तो 45 हो गया डब्ल्यू वन। मोलर वेट कितना है इथिलीन ग्लाइकोल का, फॉर्मूला होता है C2H6O2, तो कार्बन का 12 इंटू 2 24 हो गया, प्लस 6 करोगे तो 30 हो जाएगा, प्लस
ऑक्सीजन 16 × 2 मतलब 32 हो गया, तो ये हो गया आपका 62,000। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? ग्राम। इसकी यूनिट है ग्राम पर मोल, इसकी ग्राम पर किलोग्राम। और W2 कितना है? 600 ग्राम वाटर का वेट है। ठीक है, तो ये ग्राम होगा। तो देखो जरा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल। ठीक है, क्या बचेगा? कैल्विन बचेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल TF जो है वो हमारा आएगा 2.2 कैल्विन। अब हमें क्या करना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो डेल TF जो है वो क्या होता है? डेल TF ये क्या होता है? T0F मतलब कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस TF सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 2.2 केल्विन है। हमें क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का निकालना है, मतलब TF निकालना है। तो ये कितना होगा? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन होगा माइनस TF। ठीक है, 273 अगर इसकी एक्यूरेट और वैल्यू लिखनी है तो 273.15 लिख सकते हो केल्विन, है ना। तो TF इक्वल टू 273.15 माइनस 2.2, तो ये आएगा 270.95 केल्विन, राइट। तो ये हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे आपको KF और बता देते हैं कि KF को हम क्या क्या बोलते हैं। KF को हम बताना भूल गए थे। तो KF को हम बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। KF को हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और KF को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.4 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.21 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो देखो सर, डेल TF इक्वल है KF इनटू मोलालिटी के। तो डेल TF इक्वल टू KF, मोलालिटी क्या होती है? वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल TF कितना है? 0.4 केल्विन। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 0.4 केल्विन है। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है? 5.21। तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 0.4 केल्विन है, तो ये 0.4 केल्विन इक्वल टू KF कितना है हमारा? 5.21 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इनटू W1 कितना है? 1 ग्राम है, 1 ग्राम। मोलर वेट निकालना है इनटू 1000, क्या होगा? ग्राम पर किलोग्राम अपॉन 50 ग्राम। ठीक है, तो देखो जरा, इस ग्राम से ये ग्राम जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये किलोग्राम से हमारा ये किलोग्राम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये केल्विन से हमारा ये केल्विन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। ठीक, तो जब हम ये मोलैरिटी निकालेंगे तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा 5.21, है ना, और इनटू 1 बाय ये 0.4 नीचे चला जाएगा इनटू 1000 अपॉन 50। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचा है? मोल इनवर्स बचा है, और ये ग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम बचेगा। ठीक, तो ये
मोल इनवर्स ऊपर लिख लो, है ना, तो यूनिट हमारी ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगी। तो जब आप इसको काटोगे पीटोगे तो ये 256 ग्राम मोल इनवर्स, ये हमारे मोलर वेट की यूनिट हो जाएगी, या 256 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा डिप्रेशन एंड फेजिंग पॉइंट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।